हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे, इस वाले वीडियो में बताऊंगी वन पीस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसकी लेंथ मैं रखूंगी घुटने से नीचे। तो इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, मैं इसमें लॉन्ग रखूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मैं ज्यादा शॉर्ट नहीं पहनती, इसलिए मैं थोड़ा सा लॉन्ग रख रही हूँ। आप इसकी लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाकी ये वाला फैब्रिक है, आप क्रेप का है, ये फैब्रिक देख सकते हैं, इसमें इस तरह से प्रिंट है। तो पहले मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही थी कि मैं इसमें किस टाइप का ड्रेस बनाऊं। एक तो मैंने स्ट्रेट वाला जो चलता है, बॉडी फिट वाला जो आउटफिट रहता है ना, एकदम स्ट्रेट वाला, जिसमें साइड से आजकल गैदर्स देके रखते हैं, तो उस टाइप का जो पैटर्न था वो भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और एक पैटर्न है जिसको हम नॉर्मल अम्ब्रेला घेर में बनाते हैं, उस टाइप में। तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि इसमें किस टाइप का पैटर्न बनाऊं, बट मैं सोच रही हूँ इसमें अम्ब्रेला घेर वाला पैटर्न बना लेती हूँ। स्ट्रेट वाला जो पैटर्न है वो मैं किसी और आउटफिट में बना लूंगी। तो मैंने अभी सोचा है कि इसमें अम्ब्रेला घेर वाला जो है वो वाला आउटफिट बनाऊंगी, और जो स्ट्रेट वाला है वो मैं किसी और फैब्रिक पे ट्राई करूंगी। तो अब देखते हैं हमारा जो आउटफिट है वो किस तरह से बनने वाला है। अभी मुझे भी नहीं पता कि वो किस तरह से बनने वाला है, पर इस बार मैंने सोचा था कि आपको अलग से वॉइस ओवर नहीं करूंगी, क्योंकि वीडियो में अलग से वॉइस ओवर करती हूँ ना तो मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है कि आपको कैसे समझाऊं, क्योंकि मैं क्लियर समझा नहीं पाती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि कटिंग एंड स्टिचिंग का जो वीडियो है, कटिंग एंड स्टिचिंग का जो वीडियो है वो मैं साथ में ही बताती जाऊंगी, वॉइस ओवर भी मैं साथ में ही देती जाऊंगी। इसकी वजह से मुझे आज ये वीडियो ना रात में 11 बजे शूट करना पड़ रहा है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी कर देना, शेयर करना। और अब हम इस आउटफिट की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा ये हमारा आउटफिट बनने वाला है। तो चलिए अब इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जो मेरे पास फैब्रिक था उसको मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। ये मेरा अस्तर है क्रेप वाला, जो कि 3 मीटर मैंने अस्तर का यूज किया हुआ है, और ये क्रेप का अस्तर है, इसको मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया। ये मेरा बंद भाग जो मैंने अपने साइड रखा है, ये मेरा खुला भाग है जो कि मैंने अपोजिट साइड रखा है। यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट की मार्क की है, जो टॉप पार्ट का मार्क किया है, जो कि सिंपली हमारा टॉप पार्ट रहता है उसकी तरह से मार्क किया है इसमें। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 14.5 इंच फिटिंग की रखी हुई है। तो इसमें मैंने ये देखिए 1 इंच प्लस रखा है, ये देखिए यहाँ से 1 इंच मैंने प्लस किया हुआ है लंबाई में। और इसके बाद हमने यहाँ से जो शोल्डर लिए हैं वो मैंने लिए हैं 7 इंचेस, आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने 7 इंच के शोल्डर लिए हैं। और इसका जो गले की जो डीपनेस है वो मैंने 3 इंच ली है। बैक वाले की जो यहाँ की जो चौड़ाई है मैंने गले की जो ली है वो 3 इंच ले रखी है, और यहाँ की जो डीपनेस है जो बैक वाले गले की वो मैंने 3.5 ली है, और फ्रंट वाले नेक की जो मैंने ली है वो मैंने 4.5 इंच ली है। तो 4 हमारा फिटिंग पे हो जाएगा, और बैक में हमारा 3 फिटिंग पे आ जाएगा। तो 3.5 इंच लिया है, आधा आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा किया, जो भी आपकी नेक डीप रख रहे हो उसमें आपको आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ही रखा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3 इंच रखा है। इसकी जो आर्मोल की लंबाई है वो मैंने 6.5 इंच ले रखी है, और यहाँ से आपको आर्मोल का सेंटर लेना है। ये जो आर्मोल वाली जो लंबाई है इसका सेंटर लेना है, मैंने यहाँ पे इसका सेंटर पे मार्क कर दिया है। और इसके बाद यहाँ से मैंने 1.5 इंच की गोलाई दी हुई है, और यहाँ से हमने चेस्ट पार्ट लिया है, जो भी आपका चेस्ट है उसमें आपको 2 इंच प्लस कर देना है। मैंने ये मैं 36 साइज का बना रही हूँ, तो मैंने ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मैं लूज ही रख रही हूँ इसलिए मैं मार्जिन एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ। अगर आप फिटिंग कर रखे हैं तो आप 1.5 इंच का मार्जिन भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ से जो मैंने कमर का साइज लिया है, जो भी मेरी कमर थी उसका मैंने 4th पार्ट करते हुए यहाँ पे भी मैंने 2 इंच का मार्जिन दिया है, और चेस्ट पे भी आपको 4th पार्ट करते हुए 2 या 1.5 इंच आप नॉर्मल दे सकते हैं। अगर कम फिट मार्जिन रखना है आपको तो 1.5 इंच की, अदरवाइज आप 2 लेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा, 2 में आप किसी भी साइज के लिए ले सकते हैं। 2 इंच मार्जिन आपको हर उसमें रखना रहता है। अब हमने जो मार्क किया इसकी सिंपली इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। देखिए, जो मेरा अस्तर है इसको मैंने सिंपल ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है, जो मैंने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली इसके बाद मैंने नॉर्मली इसको यहाँ पे बिछा लिया है। इसकी जो मैंने कमर ली है, आप चाहे तो ये जो टॉप पार्ट है हमारा इस तरह से रख के भी कमर को मेजर कर सकते हैं, पर मैंने इसकी ये जो लंबाई ली है वो मैंने 12 इंच पे इस तरह से रखते हुए 12 इंच पे पूरे में निशान लगाया है। और यहाँ से जब आप निशान लगाएंगे ना, तो ये वाला जो ऊपर वाला कोने वाला हिस्सा, यहाँ से आपको इंची टेप को बिल्कुल भी नहीं हटाना है। यहाँ से 12 इंच पे इस तरह से मैंने निशान लगाया है, और इसके बाद इसको मैंने मेजर किया है जितना मेरे टॉप पार्ट की कमर आ रही है उतनी आ रही है कि नहीं आ रही। तो मेरे टॉप पार्ट की कमर भी 10 आ रही है और इसकी भी 10 आ रही है, तो पूरा बराबर मुझे मिल गया है। अब यहाँ से ना मुझे टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो माइनस करनी है, और इसके बाद टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करने के बाद तो मुझे यहाँ पे ये अस्तर की लंबाई लेनी है। तो अस्तर मेरा मेन फैब्रिक से 3 से 4 इंच छोटा है। मेरे पूरे ड्रेस की जो लंबाई है वो मैंने 44 इंच के आसपास रखी है, तो अभी मैंने अस्तर की जो लंबाई ली है वो मैंने 41 इंच रखी है, तो फिटिंग की हमें 40 मिल जाएगी। तो यहाँ से टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करने के बाद आपको अस्तर की लेंथ ले लेनी है, और इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 41 अभी आ रहा है, अब इसके इंची टेप को यहाँ से इस तरह से ऊपर से रखना है, और यहाँ से लंबाई मेजर करनी। तो ये 38.5 आ रही थी मेरी,
ये देखिए यहाँ पे 38.5 आने के बाद तो इस तरह से पूरे में राउंड में मैंने निशान लगा लिया है। जब आप इस तरह से राउंड में निशान लगाएंगे ना तो आपको इंची टेप को ऊपर बिल्कुल भी नहीं हटाना है, यहाँ से नीचे से इस तरह से राउंड में हटाते हुए पूरे में निशान लगा लेना है। तो मैंने सिंपली इसका निशान लगा लिया है, अब मैं इसकी सिंपली इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने ना ये सिंपल अस्तर की जो हमने निशान लगाई थी उसकी कटिंग कर ली है। अब मैंने ये ना एक निशान लगाया है वो आपको मैं बता देती हूँ कितने इंच पे लगाया है। मैंने ये निशान लगाया है 14.5 इंच पे। ये वाला निशान मैंने 14.5 इंच पे क्यों लगाया है वो मैं आपको आगे स्टिचिंग में बताऊंगी। यहाँ से इसको कट नहीं करना है, बाकी जब अभी मैं स्टिचिंग करूंगी ना तब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये 14 इंच पे 14.5 इंच पे क्यों निशान लगाया है, क्योंकि मैं डबल लेयर में ये ड्रेस बना रही हूँ तो वो मैं आगे जब आपको जब इसका रेडी करूंगी ना तब आपको बताऊंगी। तो इसलिए मैंने अभी से इसमें ये ना 14.5 इंच पे निशान लगा दिया। इस वाले निशान को ना मैं इधर साइड भी छाप लूंगी जो पूरे में हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको डैप डैप कर लूंगी तो इससे क्या है कि पूरे में हमें ये निशान एक जैसा मिल जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से हम छाप लेते हैं। इसके बाद फिर मैं इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ये जो मेरा मेन फैब्रिक था उसको भी मैंने जैसा अस्तर कट किया था ना सिंपल उसी तरीके से ट्रायंगल शेप में इसको बिछा के रखा हुआ है। ये देखिए ये सिंपल ट्रायंगल शेप में बिछा के रखा हुआ है। तो यहाँ जैसे मैंने अस्तर के ऊपर लिया था ना जितना मैंने अस्तर भी लिया था, यहाँ पे भी मैंने 12 इंच पे निशान लगाया जितना हमें कमर को चाहिए थी जितनी हमें, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसका निशान लगाया है। इसका निशान लगाने के बाद मैंने यहाँ से उसकी लंबाई तो 41 इंच रखी थी अस्तर की, और इसकी जो मेन फैब्रिक की पूरी मैंने यहाँ से पहले तो आपको टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करके पूरी जो जितनी आपकी फुल लंबाई है, फुल लंबाई मेरी 44 इंच है मेरे वन पीस की, और मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है पीको के लिए। इसमें मैं पीको करवाऊंगी फोल्डिंग में भी जाएगा तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके रखा है ना। तो मैंने इतनी लंबाई ली 46। इसके बाद मैंने इंची टेप को यहाँ पे रखा है पूरा सेम ऊपर से, और यहाँ से जो लंबाई आ रही थी उस तरह से 44 इंच आ रही थी, तो मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे पूरे में मेजर करके लगा दिया। इस तरह से नॉर्मल जैसे हम लगाते हैं सिंपल, जैसा मैंने अस्तर पे किया था वो आपको यहाँ पे आपको सिंपल करना है। जो भी आपकी लंबाई हो मेन फैब्रिक में जितनी आपको लंबाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो एक्स्ट्रा प्लस के लिए ले लेना 1.5 से 2 इंच मार्जिन, तो मैंने 2 इंच की मार्जिन ली हुई है यहाँ पे। इस तरह से नॉर्मल मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा एक निशान मैंने और लगाया है जो कि मैंने अस्तर में भी लगाया। अस्तर में तो हमें कटिंग नहीं करनी है, अस्तर में इसकी कटिंग नहीं करनी है, बट ये वाला जो निशान है ये मैंने यहां से जहां से मैंने कमर ली थी यहां से मैंने ये 16 इंच पे लगाया है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहां से मैंने इसकी ये लंबाई जो ली है वो मैंने 16 इंच पे इस तरह से ली है। पूरे में मैंने 16 इंच पे यहाँ पे ये निशान लगाया हुआ है। 16 इंच पे ये जो निशान लगाया है तो हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे और यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये 16 इंच पे मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, और ये वाले जो फैब्रिक है यहाँ से भी हम सिंपली इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी जब मैं स्टिच करूंगी ना तो अभी आपको और समझ में आ जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आप नॉर्मल अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, बस आपको मैंने मेन फैब्रिक में निशान लगाया है वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी जब इसको अटैच करूंगी जब। लेकिन इसकी जो मेरी लंबाई है वो अस्तर से थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, अस्तर मेरा इससे 3 से 4 इंच छोटा है, मेन फैब्रिक की लंबाई मेरी 3 से 4 इंच बड़ी है, और ये जो लेयर ली है वो मैंने 16 इंच पे एक निशान लगाया है। ये वाला 16 इंच पे मैंने यहाँ पे ये निशान लगाया, और ये वाली जो लेयर है ये भी 16 इंच की ही है। ठीक है, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये वाली जो लेयर है इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हमने ये वाले माप किया और ये वाला माप किया और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद जो मेरा टॉप पार्ट है उसका मैं ये जो बचा हुआ जो मेरे पास फैब्रिक है ना उस पे मैं टॉप पार्ट की भी कटिंग कर लूंगी। तो आपको ये भी बता देती हूँ ये जो मेरा मेन फैब्रिक का जो फैब्रिक है ना ये साइज से मेरे ख्याल से 3.5 या 3 मीटर के आसपास होगा, बट इसका जो पन्ना है ना वो 60 का है। अगर आप इस टाइप की ड्रेस बनाएंगे तो हो सकता है आपको फैब्रिक थोड़ा सा ज्यादा लगे, बट अगर आपके 60 का बना वाला फैब्रिक है ना तो आपको 3 से 3.5 मीटर में इजिली हो जाएगा। ये साइज से 3.5 मीटर फैब्रिक है ये पूरा, ये मुझे याद नहीं है बट मेरे ख्याल से 3.5 मीटर या 3 के आसपास ही है, 3.5 या 3 के आसपास होगा। इसका जो पन्ना है वो 60 का है। तो अभी यहाँ से मैं पहले ये कट कर लूंगी घेर के लिए, इसके बाद में यहाँ से टॉप पार्ट और इसकी जो स्लीव है उसकी कटिंग करूंगी। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए जो मैंने निशान लगाए थे एक ये वाला, तो इसको भी मैंने कट कर लिया है, इसको भी कट कर लिया है। तो मैंने जो निशान लगाए थे उसकी मैंने कटिंग कर ली है इसलिए, बट इसको मैंने यहाँ से साइड से कट नहीं करूंगी। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं, और ये वाला जो है इसको मैं इस वाली साइड से कट कर दूंगी। तो मैंने इस वाले साइड को मैंने यहाँ से इसको कट कर दी थी, मैंने खुद ना 2 पार्ट मिल जाएंगे, फ्रंट एंड बैक पार्ट मिल गया है मुझे इसको। और जब ये वाला जो है इसको मुझे कट नहीं कर, मैंने इसको कट नहीं किया है। ठीक है, तो वो मैं आपको आप जब स्टिचिंग करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये क्यों नहीं कट किया है।
तो ठीक है, मैंने यहाँ से इसको कटिंग कर लिया है। अब मैं इसके टॉप पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। जो मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक है इस पे मैं टॉप पार्ट की कटिंग करती हूँ। जो मैंने अस्तर की कटिंग करी है, वैसे तो मैंने पूरा बराबर रख के कटिंग किया है, दो टू फोल्ड में फैब्रिक को रखा है, फ्रंट और बैक दोनों साथ में निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये मेन फैब्रिक ना ये यहाँ से थोड़ा सा बड़ा लिया है, ये मैंने ना 3 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं जिस तरह से मैं ये ड्रेस बनाना चाह रही हूँ कि ये जो टॉप में जो नीचे से हल्का सा फूला फूला दिखता है ना टॉप में ऊपर काउल जैसा, तो मैं उस जैसा पैटर्न बनाने के लिए सोच रही हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ से ना ये 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो बाकी तो मुझे नहीं पता है कि इस वाले टॉप में किस तरह से कितना फैब्रिक क्या लेते हैं, बट मैंने एक वीडियो में देखा था तो उसके अकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ। यहाँ से मैंने ये 3-3 इंच पे ये निशान लगाया है, 3-3 इंच का एक्स्ट्रा लिया हुआ नीचे साइड से। तो जब यहाँ से तो पूरा फिटिंग से लेना, जब हम इसको अटैच करेंगे ना तो यहाँ से हमें बराबर करके अटैच करना है। तो ये जो ऊपर से जब हमारा टॉप आएगा ना तो हल्का सा नीचे फूला फूला काउल जैसा दिखेगा, तो वो आपको जब मैं स्टिचिंग करूंगी ना तब समझ में आ जाएगा। तो बट आपको भी अगर आप इस टाइप का पैटर्न बनाएं तो आपको यहाँ से ये जो मैंने फैब्रिक लिया वो 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो आपको इस तरह से 3 इंच एक्स्ट्रा ही फैब्रिक लेना है। तो ये बाकी तो मैंने सिंपली कटिंग कर ली है, जब हम इसको स्टिच करेंगे ना तो यहाँ से सिंपल पहले पलट लेंगे, बाकी इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अब मैं इसकी स्लीव की कटिंग करूंगी, तो सिंपली स्लीव की कटिंग करूंगी। तो पहले मैं स्लीव की कटिंग कर लेती हूँ, तो हमारी जो कटिंग का काम है वो पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास ना ये बचा हुआ ही फैब्रिक है, तो इसमें देखते हैं किस तरह से स्लीव निकलती है। वैसे तो मैंने फुल स्लीव्स का सोचा था, अगर इसमें निकल जाती तो अच्छी बात है। जैसे मैंने इसको 4 फोल्ड में, फोल्ड के लिए सिंपल स्लीव कटिंग करनी है, बाकी तो नॉर्मली जैसे मैं नॉर्मल स्लीव कटिंग करती हूँ। यहाँ से मैं फुल स्लीव की लूंगी, जितना मैं फुल स्लीव रखूंगी उसके अकॉर्डिंग लूंगी, और यहाँ से जितना हमारी आर्मोल आती है उसके अकॉर्डिंग लूंगी। तो मैं सिंपल स्लीव की कटिंग कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ स्लीव की कटिंग करके। ओके, तो ये देखिए यहाँ से मैंने सिंपल कर्व शेप देते हुए सिंपल 3 इंच नीचे डाउन करते हुए स्लीव की कटिंग करी है। इसकी जो चौड़ाई है जितनी हमें आर्मोल आती है उसके अकॉर्डिंग रखनी है। तो मेरी आर्मोल में 9.5 आ रही थी, तो ये 9.5 रखी है। और ये जो मैंने फुल स्लीव की बनाई हुई, यहाँ से मैंने ना ये 8 इंच इसलिए रखा है क्योंकि मैं यहाँ से ना इलास्टिक लगाऊंगी, तो थोड़ा मैंने इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है क्योंकि जब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे उसको फोल्ड करेंगे ना तो उसमें हल्के से गैदर्स बन जाएंगे, तो नीचे साइड ना यहाँ पे वो पफ जैसा लुक देगा तो वो अच्छा लगेगा फूला फूला सा। इसलिए क्योंकि लूज लूज हम स्लीव बनाएंगे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ की ये जो चढ़ाई वो मैंने 8 इंच रखी, और ये मैंने जो आर्मोल की आ रही थी आर्मोल के अकॉर्डिंग रखा है, तो आर्मोल की मेरी 9.5 आ रही थी इसके अकॉर्डिंग रखा है, और मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है जिससे मेरा पफ बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग लिया है। तो सिंपल ये हमारी जो कटिंग थी वो हो चुकी है, अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। तो अभी मैं इसकी स्टिचिंग थोड़ी देर से करूंगी क्योंकि अभी रात के बज रही है 1, अब इसकी स्टिचिंग मैं कल करूंगी, आपको इसी पैट में देखने को मिलेगी। तो ये देखिए मैंने ये जो 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था ना उसको यहाँ से तो पूरा बराबर मैंने स्टिच किया है कमर से, और बाकी ना जो इससे जैसे यहाँ पे इस तरह से ये झोल जैसा आ रहा था ना उसको मैंने नहीं यहाँ से क्योंकि बड़ा जा रहा था तो मैंने यहाँ से गैदर्स दे दिए पूरे में, और यहाँ से भी गैदर्स दे दिए उसको इस तरह से मैंने अटैच किया। आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से गैदर्स देने के बाद ना तो ये इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, तो आई थिंक अच्छा लग रहा है। बाकी जैसा मैं बनाना चाह रही थी ना वो मैं से बन नहीं रहा, मुझे उसकी कटिंग स्टिचिंग भी नहीं पता है किस तरह से बनता है, और मेरे पास ऐसी कोई इमेज भी नहीं है जैसा मैं आपको समझा पाऊँ वाला पैटर्न, क्योंकि उस वाले पैटर्न की ना मेरे पास कोई इमेज नहीं थी। तो इसलिए मेरे पास अब ये इस तरह का दिख रहा है, इसमें भी लुक अच्छा दिख रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इसी तरीके से बना लिया जाए। अब इसी तरीके से ये मैंने बैक पार्ट रेडी कर लिया, इसी तरीके से ना फ्रंट पार्ट भी रेडी कर लूंगी। मैं आपको बताती हूँ मैंने बैक पार्ट रेडी कर लिया कुछ इस तरह से, अब आपको मैं फ्रंट पार्ट रेडी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है, उसको मैंने पूरा इस तरह से रखा है राइट सीधे साइड के ऊपर मैंने अस्तर को रखा है। पहले मैं नॉर्मली गले में सिलाई लगा के इसको पलट लूंगी, इसके बाद ना इस वाले हिस्से को यहाँ से मैं अटैच करूंगी, इस वाले हिस्से को ना मैं यहाँ से अटैच कर लूंगी। पहले मैं सिंपल इसको पलट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने सिंपली पलट लिया, ये देखिए ये मैंने यहाँ से गले में सिंपल इसको पलट लिया। आप देख सकते हैं ये यहाँ से बड़ा जा रहा है, ये देखिए ये यहाँ से बड़ा जा रहा है, और बाकी ये सिंपली मैंने इसको नेक इसका पलट लिया है, सिंपल जैसे हम पलटते हैं सेम उसी तरीके से। अब आपको क्या करना है, इस वाले हिस्से को ना यहाँ से इस तरह से स्टिच करना है, ये देखिए इसको ना हम यहाँ से बराबर करेंगे, इसको इस तरह से ऊपर साइड लाएंगे, और यहाँ से इस तरह से हम पहले इसको यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे, इस तरह से सिंपल इसकी सिलाई लगाएंगे, और साइड में मैं गैदर्स भर दूंगी। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसकी सिलाई, ये देखिए यहाँ से मैंने ना इसको बराबर रखते हुए इसको इस तरह से स्टिच करना है।
से ये यहाँ पे इस तरह से ये इस तरह से यहाँ से ये झोल आ जाएगा, है ना। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे सिंपली इसको पलट ली, इसमें सिलाई लगा ली, आप देख सकते हैं ये हमने इसको यहाँ से यहाँ से ये सिलाई लगाई हुई है, तो ये यहाँ से इस तरह से ये यहाँ से ऊपर साइड से ये झोल आ गया है। अब ये जो साइड वाला हिस्सा है यहाँ पे हमें पूरे में गैदर्स दे देने हैं, इसमें भी और इसमें भी। पहले मैं इसको सिंपल इसको यहाँ से शोल्डर और उसके आर्म होल इसके पक्के कर लेती हूँ। देखिए ये जो मेरा फ्रंट वाला पार्ट था ना, इसको मैंने यहाँ से भी अटैच कर लिया, यहाँ से भी कर लिया था, और ये नीचे साइड से भी इस तरह से बराबर से मैंने कर लिया था अटैच। एक साइड मैंने इसमें इस तरह से मैंने ये गैदर्स दे दिए हैं यहाँ पे, और ये जो आर्म होल साइड से यहाँ पे भी नॉर्मली स्टिच कर लिया है। अब ये देखिए एक साइड मैंने अभी गैदर्स नहीं दिए हैं, मैंने सोचा था आपको बता के इसके बाद फिर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से पहले क्या करना है, यहाँ से ये आर्म होल तक सिलाई आपको सिंपली लगा लेनी है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने आर्म होल तक ये सिंपल सिलाई लगा ली थी। ये देखिए आर्म होल तक सिंपल सिलाई लगाने का, अब ये जो वाला देखिए ये यहाँ से झोल इस तरह से आ रहा है। अब इस वाले में पहले मैं ये सिंगल वाला हिस्सा ना इस पे गैदर्स दूंगी, तो मैं ये मशीन से मैंने यहाँ पे ये एक पिन लगाई हुई है, इसको इस तरह से यहाँ पे करा है, और इससे ही मैं इसमें गैदर्स दे दूंगी। इसमें गैदर्स दे दिए, अब इस वाले को ना इसको रख के यहाँ पे पूरे में इसी वाले से इसमें भी गैदर्स दे देंगे अस्तर के साथ में जॉइंट करते हुए, इसको अस्तर में साथ में। देखिए इसमें इस तरह से ये अभी अलग अलग है, तो अब इसमें मैंने गैदर्स दे दिए थे, अब ये वाला जो हिस्सा है ना इस पे यहाँ पे करते हुए हल्का सा इसी से इस वाले से ही कर दूंगी मैं सिलाई लगा दूंगी, तो उससे क्या रहेगा हल्के से साइड में भी गैदर्स आ जाएंगे दोनों साइड। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इधर साइड भी गैदर्स दे दिए हैं और उधर साइड भी, दोनों साइड हमारे इस तरह से ये जो लुक आ जाएगा इसका, तो ये दोनों साइड मैंने गैदर्स दे दिए हैं। इसका जो क्या है कि आगे से ये थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से ये लूज लूज जैसा दिखेगा, तो इससे क्या लुक अच्छा दिखेगा, मुझे इस टाइप का ही कुछ चाहिए था, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए अब हम इसमें जो दूसरा वाला हमने पार्ट रेडी किया उसको इस यहाँ से रखते हुए सिंपल इसमें शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने का तो सिंपल स्लीव लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसमें मैंने ना शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं सिंपल, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें मैंने सिंपल शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं इसमें, और स्लीव है ना वो मैंने सिंपल दोनों साइड से मैंने स्लीव भी अटैच कर ली है, क्योंकि सिंपल ही स्लीव अटैच करनी थी जैसे हम नॉर्मल अटैच करते हैं, तो सेंटर से रखते हुए मैंने दोनों साइड से स्लीव अटैच कर ली है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें स्लीव भी अटैच होगी, और मैंने एक साइड ना यहाँ पे ये इस तरह से फोल्ड किया है, क्यों, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इतना आधा इंच के आसपास छोड़ के रखा, क्योंकि आधा इंच चौड़ी हम इसमें इलास्टिक डालेंगे पूरे में तो गैदर्स बन जाएंगे, तो उससे क्या है कि स्लीव का जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये जो दूसरी वाली स्लीव है इसको भी मैं फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए जो स्लीव है आपको उसके अकॉर्डिंग फोल्ड करना है कि आप कितनी चौड़ी लेस रख रहे हैं, तो मैं आधा इंच चौड़ी के आसपास रख रही हूँ। ये देखिए जिस तरह से एक बार मैं इसे नॉर्मली फोल्ड कर लेती हूँ, ये देखिए एक बार इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ पे इतना फोल्ड करी जितना मैंने उधर साइड रखा है उतना ही रखूंगी, क्योंकि ये देखिए इतने इतनी चौड़ाई के अकॉर्डिंग रखा है, जैसे क्योंकि मैं इसमें ना आधा इंच चौड़ी इलास्टिक लगाऊंगी, अगर आप थोड़ी सी चौड़ी इलास्टिक लगाए तो उसके अकॉर्डिंग इसमें फोल्ड कर लें, तो मैं इतनी चौड़ी लगाऊंगी तो आधा इंच के आसपास, तो मैं यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेती हूँ और सिलाई लगा देती हूँ। ये देखिए सिंपल ये मेरा रेडी हो चुका है, टॉप पार्ट हमारा जो है वो पूरा रेडी ही हो चुका है। अब इसमें क्या करूंगी मैं इधर ना इलास्टिक लगा देती हूँ, इसके बाद फिर हम इसमें ना नीचे घेर जॉइंट करेंगे। तो इलास्टिक कौन सी लगा रही हूँ मैं तो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मेरे पास इलास्टिक थी, क्योंकि मैं अभी मार्केट गई नहीं थी तो मेरे पास अभी घर पर यही वाली इलास्टिक है, तो इसको ना मैं इस तरह से आधा आधा इंच बीच से इस तरह से इसको ना ये इसकी जो चौड़ाई आई थिंक ये एक इंच के आसपास है, तो मैं इसको बीच से आधा आधा कर लूंगी इधर से इस तरह से, तो ये आधा इंच चौड़ी हमें इलास्टिक मिल जाएगी। और इसकी स्टेच ये देखिए काफ़ी सारा अच्छे से स्टेच हो रही है, तो जैसे कि हमारी ये जो बॉटम है ये जो स्लीव की जो बॉटम है यहाँ पे वो हमारी आ रही है बिल्कुल फिटिंग की 8 इंच है ना, तो उससे 2 से 3 इंच छोटी ही रखेंगे इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिक इस तरह से स्ट्रेच होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही रखनी है। तो मेरा 8 इंच आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से 7 इंच या 5 इंच के आसपास इलास्टिक लूंगी, तो जिससे क्या है कि पूरी स्ट्रेच हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से मैं सेंटर पे कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए इलास्टिक को मैंने ना इस तरह से बीच में से कट कर लिया, ज़्यादा इंच चौड़ी हो गई है, तो अब मैं इसको ना यहाँ से इस तरह से पिन करके इसमें इसके अंदर डाल दूंगी, साइड से स्टिच कर दूंगी, तो हमारा जो टॉप पार्ट है वो पूरा रेडी हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं बॉटम में ज्वाइंट करूंगी इसमें। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए इसको इधर साइड भी साइड से सिलाई लगा दूंगी और इधर साइड भी मैं साइड से सिलाई लगा दूंगी। तो मैं सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने अस्तर को नीचे से 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब ये जो इधर साइड से है इसको मैं अलग कर दूंगी, ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं अलग कर दूंगी। यहाँ से पहले इसको मैं अलग कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। ये वाला जो साइड वाला हिस्सा है ना इसको मुझे अलग करना है। ये देखिए इसको मैंने अलग कर लिया है ना। अब मैं इसको इस तरह से रखूंगी, इसमें हमें क्या 2 पार्ट मिल गए, ये एक बैक का हो जाएगा और एक फ्रंट का हो जाएगा, तो 2 पार्ट मिल गए ना। तो हमारा जो टॉप पार्ट था वो भी पूरा रेडी हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसका जो लुक किस तरह से आ रहा है। ये देखिए ये हमारा पूरा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए और इसमें ना मैंने इलास्टिक भी लगा लिया, तो इस तरह से इसमें गैदर्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से गैदर्स आ रहे हैं, मैंने इसमें इलास्टिक लगा दिए। अब ये देखिए इस तरह से ये जो हमारा टॉप पार्ट है वो तो पूरा रेडी हो चुका है। अब इसको हमें यहाँ से अटैच करना है ना, तो अब क्या करना, अलग अलग करके अटैच करना है, क्योंकि बैक और फ्रंट हमें ये 2 पार्ट हो गए हैं। ये जो मैंने एक कट किया था ना आपको याद हो, तो मैंने इसमें ये जो मेन फैब्रिक में ना 2 लेयर कट करी थी मेन फैब्रिक में, तो इसकी भी मैंने साइड से अलग कर दिया था। ये देख सकते हैं इसका भी बैक और फ्रंट है ना, तो एक बैक में लगाएंगे और एक फ्रंट में लगाएंगे। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है ना इसको, और एक हमें अस्तर वाला उठाना, एक नहीं उठाना, एक हमें उठाना है इस तरह से, और इसको और इसको इस तरह से पहले हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है और इसको कमर पे अटैच करना है। इसको अटैच करूंगी मैं यहाँ पे इस तरह से, है ना, और इसके बाद जब मैं इसको अटैच कर लूंगी फिर मैं पूरी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। सबसे लास्ट में मैं ये वाली लेयर अटैच करूंगी, तो पहले मैं ना ये वाली लेयर अटैच करके फिर और फिटिंग लगा के फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसको मैंने ना कमर से अटैच कर लिया। ये देखिए ये एक पार्ट इधर है, ये बैक वाला पार्ट है, और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, बैक और फ्रंट। ये देखिए और इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से ये जो लूज लूज जैसा चाहिए था ना मुझे, ये इसी तरीके से ही चाहिए था, मैं इसी टाइप का पैटर्न बनाने के लिए सोच रही थी, और ये सेम उसी तरीके का लुक दे भी रहा है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नहीं आएगा, बट बनने के बाद आगे इसको इसी तरीके से बनाते हैं। मैंने ना इसको फर्स्ट टाइम बनाया तो इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इसको जो इस तरह से ये जो लूज लूज जैसा दिखता है ये किस तरह से आता है, बट अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आया हुआ है। तो इसका जो लुक देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे, अब ऐसा लग रहा है जल्दी से रेडी करूँ इसको और फिर मैं पहन के देखूँ कैसा दिखेगा। बाकी ये यहाँ से कुछ इस तरह से दिख रहा है, इसको मैंने सिंपल अटैच कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस तरह से उसको उल्टा करना है और इसको सिंपल फिटिंग लगाएं। आप लोग चाहे ना तो इसको, जैसे मैंने ये जो घेर अटैच किया है ना, तो आप चाहे इसको नॉर्मल टॉप पार्ट पूरा रेडी करके, जैसे कि फिटिंग का टॉप पार्ट रेडी करने के बाद भी आप इस घेर को अटैच कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए नहीं करा है इसको अटैच ऊपर से। अगर मैं अटैच करती हूँ ना तो जैसे कभी अगर टाइट हो जाए तो फिर क्या है कि खोलने में फिर पूरा घेर खोलूं इसके बाद ही फिर स्टिचिंग लगानी पड़ती, फिर इसके बाद दोबारा से बहुत मेहनत हो जाती है। इसलिए मैंने क्या किया इसको दोनों को अलग अलग करके, अब मैं क्या करूंगी यहाँ से नॉर्मल सिलाई लगा के यहाँ तक, जैसे कि ये जो यहाँ पे जैसे नॉर्मल मैं फ्रॉक सूट में सिलाई लगाती हूँ ना, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे मैं फ्रॉक सूट में किस तरह से सिलाई लगाती हूँ, उसी तरीके से मैं यहाँ पे ना 4 इंच तक फिटिंग की सिलाई लगा के इसके बाद इसको ना इस वाले पल्ले को इस तरह से हटाऊंगी, और ये वाले जो पल्ले हैं 4 इंच तक यहाँ तक तो मैं दोनों को साथ में ज्वाइंट करूंगी, अस्तर को मैन फैब्रिक को साथ में ज्वाइंट करने के बाद ये 4 इंच तक मैं यहाँ पे दोनों को साथ में ज्वाइंट करूंगी। इसके बाद ना मैं ये जो ये हमारा मेन फैब्रिक है ना ये अस्तर वाला मैं अलग हटा दूंगी, और ये जो मेन फैब्रिक है ना इसको मैं यहाँ तक स्टिच करूंगी। इसके बाद जब इसको यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी इसके बाद इसको अंदर कर दूंगी, इसके बाद फिर मैं अस्तर पे यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा दूंगी। तो अब मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ना ये पूरा रेडी कर लिया है, इसको मैंने यहाँ पे कमर पे भी सिंपल ज्वाइंट कर लिया है, और ये देखिए ये मेरा इस तरह से अलग हो जाएगा। ये यहाँ तक मैंने इसको साथ में ज्वाइंट किया था, इसके बाद इसको अलग ज्वाइंट किया है और इसको मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगा ली नीचे वाले घेर में। ये देखिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरा जो पैटर्न है वो अभी दिख रहा है। ये देखिए पूरा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, ये देखिए, और इसमें यहाँ पे इस तरह से पफ का लुक दे रहा है स्लीव में। अब ये देखिए आप देख सकते हैं, अब ये जो हमारी नीचे वाली लेयर थी ना इसको मैंने यहाँ पे पूरा अस्तर ज्वाइंट कर लिया, अस्तर को मैंने पूरा ज्वाइंट कर लिया है ना। अब ये जो नीचे वाली लेयर थी ना अब मैं इसको यहाँ पे ज्वाइंट करूंगी, जो मैंने 14 इंच पे निशान लगाया था ना यहाँ पे इसलिए लगाया था। तो ये देखिए अब ये जो निशान है ना इस वाले पे हमें इसको रख के इसमें ज्वाइंट करना है।
तो ये देखिए इसको मैं किस तरह से करूंगी, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे रखूंगी और इस वाली को ना मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया। इसको मैंने फोल्ड इसलिए करा है क्योंकि अगर मैं ऊपर रखती ना तो इसमें धागे निकलते, आप चाहे तो इंटरलॉक भी करवा सकते, बट मैंने इसमें अंदर से थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है जिससे क्या है कि धागा वगैरह नहीं निकलेगा कुछ भी, उससे क्या फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब इसको मैं क्या यहाँ पे रख के सिंपली इसमें पूरे में यहाँ पे राउंड में पूरे में इस तरह से करके पूरे में राउंड में नीचे साइड से ऊपर तक मैं पूरे में इसको कवर करके स्टिच कर दूंगी। मतलब तो देखिए इसको इस तरह से रख के जो हमारे निशान लगा ना उसको पूरे में स्टिच कर दूंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं इसको ऊपर से ये आएगा ना तो ये नहीं दिखेगा, ये देखिए इसलिए मैंने 1.5 इंच ऊपर लिया था ये निशान और इस तरह से आ जाएगा। मैंने इस पे भी पीको करवाऊंगी और उस पे भी लास्ट में पीको करवाऊंगी, तो पहले मैं इसको अटैच कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस ये हमारा आउटफिट पूरा बन के रेडी हो चुका है, बस अब इसमें मेरे को यहाँ पे पीको करवाना है और यहाँ पे पीको करवाऊंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये जो घेर था पूरा अटैच कर लिया, ये देखिए इसको इसलिए मैंने फोल्ड कर लिया था क्योंकि यहाँ से कोई भी धागे नहीं निकलेंगे। तो ये देखिए फिनिशिंग से अच्छे से लग गया, ये 2 लेयर में बना है हमारा ये वन पीस। और ये देखिए इसकी इलास्टिक है, ये स्लीव कुछ इस तरह से दिख रही है पफ वाली। तो मतलब पूरा आउटफिट हमारा बन चुका है, अब मैं इसको पहन के दिखाऊंगी तो वो आपको, अभी तो मैं इसको पीको के लिए डालूंगी, इसके बाद आपको फिर देखने को मिलेगा। और इससे पहले ना मेरा स्केच आउटफिट वाला वीडियो आ जाएगा, तो आप सबसे पहले स्केच आउटफिट वाला वीडियो आएगा, इसके बाद ये कटिंग स्टिचिंग का आएगा, तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाके चेक कर लेना क्योंकि उस पर मैं डाला पूरा आउटफिट पहन के दिखाऊंगी अच्छे से और उसमें डिटेलिंग जो रहेगी वो भी सारा मैं आपको उसी में समझा दूंगी, तो वो वाला वीडियो भी जरूर देख लेना। और ये वाला जो आउटफिट है ना बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये वन पीस है ना नॉर्मल आप कोई भी इससे पहन सकते हैं, ज़्यादा जो ज़्यादा छोटी ड्रेस नहीं पहनते हैं ना तो वो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। बाकी ये बहुत सुंदर लुक दे रहा है, मैंने इसको पहन के देखा था अभी फिटिंग वगैरह तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो मैं अब इसको ना पूरा रेडी होकर पीको को करवा के इसके स्केच आउटफिट वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये ड्रेस कैसी लगी आपको। तो इसके ऐसा आउटफिट वाला वीडियो जरूर देख लेना प्लीज़, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।